आलू पराठा। अब तो उम्मीद छोड़ ही दो आप। तब हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा सुबह से रूटीन। हम अराउंड 6:30 के करीब उठते हैं। बाहर का नज़ारा देखिए, कितना अंधेरा जैसे है ना। ये धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, सर्दियों में ऐसे होता है। बर्फ़ कुछ इस तरह की है, मेल्ट होने वाली है। होपफुली दोबारा से बर्फ़ नहीं पड़े, क्योंकि बर्फ़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है लेटर इन द विंटर। सो हिम्मत तैयार है, उसका ब्रेकफास्ट उसे दे दिया गया है। हे हिम्मत, हैप्पी हिम्मत और सैड हिम्मत। एंड अब वो हैप्पी हिम्मत धीरे धीरे, एंड उसके इस समय में मैं उसका लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ जल्दी से। उसका लंच प्रिपेयर करने के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना लेमन एंड हनी वाटर भी बना लूँ, मेरा और हस्बैंड का, ताकि मैं हिम्मत के साथ बैठ के थोड़ा समय स्पेंड कर पाऊँ मॉर्निंग में। सो सुबह की शुरुआत, मेरे दिन की शुरुआत हम लेमन एंड हनी वाटर के साथ करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि तुम एवरीडे लेमन पीते हो, आर्थराइटिस के लिए लेमन इतना अच्छा नहीं होता। एक्चुअली लेमन हर एक बंदे की बॉडी पर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। सिर्फ लेमन ही नहीं, बाकी सब्जियां भी, कई लोग उसको पचा पाते हैं, कईयों लोगों की बॉडी गर्म होती है, कईयों की ठंडी होती है। तो आपको क्या करना है कि आप किसी बुक के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। आपको ट्राई एंड टेस्ट करना है कि आपके ऊपर कौन सी सब्जियां बुरा असर डालती हैं या किन को खा के आपको अजीब फील होता है। सो लेमन एंड हनी वाटर से मुझे अच्छा लगता है, मेरी बॉडी हाइड्रेटेड फील होती है एंड अच्छा क्लिंस फील होता है मुझे। एंड इसे नहीं पीने वाले दिन मेरे डिफरेंट होते हैं। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसी के साथ मेरा दिन शुरू करूँ। पानी पीने के अराउंड 30 मिनट्स के बाद मैं चाय पीती हूँ। सो यस, पानी तैयार हो चुका है, अब मैं हिम्मत के साथ बैठ के पी लूँगी। अगर आप लेमन नहीं पीना चाहते हैं तो आप सिर्फ हनी ऐड करके पी सकते हैं वार्म पानी में। हनी बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए। सो थोड़ा सा हनी आपको गर्म पानी में ज़रूर से कंज्यूम करना चाहिए। सो आप सिर्फ हनी के साथ अपना दिन की शुरुआत करें, पर कोई भी किस्म का वार्म पानी ज़रूर से पिए। सीधा उठ के कॉफ़ी या चाय नहीं पिए, पानी से ही आपका दिन शुरू होना चाहिए। सो मैं हमेशा ये वाले सोफे पे बैठ के पानी पीती हूँ हिम्मत को देखते हुए। आई डोंट नो, इतनी दूर क्यों बैठती हूँ उससे। मैं शायद आई कॉन्टैक्ट बना के कन्वर्सेशन करना चाहती हूँ, पर आज जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज मैं उसके साथ बैठी थी सोच के कि आज मुझे उसके साथ बैठना है। सो अब बहुत तेज़ी वाला समय आएगा। हिम्मत को ब्रश करना होता है स्कूल जाने से पहले, वो ब्रेसेस पहनता है तो वो 2-3 बार ब्रश करता है। सो उसके बाद उसके कपड़े तैयारी की जाएगी, ठंड है बाहर, सारे विंटर के गियर्स पहनेगा। बहुत कॉलिंग वाला समय होता है। अब हस्बैंड उसको बस स्टॉप पर ड्रॉप करने जाने वाले हैं। एंड यस, इस तरह हिम्मत चला गया है। अब थोड़ा थोड़ा यू नो रोशनी आनी शुरू हो गई। अब मैं चाय का कप बनाऊँगी मेरा और पति के लिए। चाय का जो सुबह का कप है वो मैं कोशिश करती हूँ पीस में पीऊँ, लाइक बिना फ़ोन के, बाहर देखते हुए या अपने थॉट्स के साथ। हमेशा ये कामयाबी नहीं मिलती है मुझे, कई बार मैं फ़ोन देखना शुरू कर देती हूँ। और जब फ़ोन देखना आप शुरू कर देते हैं ना, फिर आप छोड़ नहीं पाते हैं। सो इसलिए अगर आप ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है, देखते हैं तो भी अच्छा है। सो चाय बनेगी। हस्बैंड का जो ऑफिस है वो हमारे घर की बेसमेंट में है, तो मैं उनको चाय दे के आऊँगी उनकी बेसमेंट में, ऑफिस में उनके। और यूजली मैं ना जल्दी जल्दी चाय बना लेती हूँ, जब तक हस्बैंड हिम्मत को छोड़ के आते हैं तो उन्हीं को दे देती हूँ कि मुझे नीचे नहीं जाना पड़े। पर आज मैं थोड़ा लेट हो गई तो मुझे जाना पड़ेगा। सो ये जो चाय है, एक तो इसमें टी बैग है इंडियन मसाला चाय का, और एक है पाकिस्तान की तपाल चाय, क्योंकि उसका रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बार आप पूछते हैं कि मैं कौन से टी बैग यूज़ करती हूँ। सो मैं एक यूज़ करती हूँ टेस्ट ऑफ इंडिया टी बैग्स मसाला टी, एंड दूसरा है ब्रांड का नाम तपाल। आई डोंट नो पाकिस्तानी आप कैसे बोलते होंगे, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो आप कहते हैं मैं गलत बोल रही हूँ। हस्बैंड को चाय डिलीवर करेंगे। हस्बैंड को चाय देके जब मैं अपस्टेयर आती हूँ ना, मुझे मेरी शरीर में थोड़ी पेन होती है सुबह सुबह, तो इतना मुश्किल से चढ़ती हूँ ना मैं। अभी मैं देख के मुझे हंसी आ रही थी, फिर मैंने डांस करने की कोशिश की कि एवरीथिंग इज़ ओके, पर यार बहुत थक जाती हूँ मैं सीढ़ियाँ चढ़ने में और आने में। एक्चुअली मैंने ना मेरे रूमेटोलॉजिस्ट से भी मिल लिया है, कल मेरी अपॉइंटमेंट थी, उसकी भी मैं ना वीडियो बनाऊँगी जल्दी कि उसने क्या कहा और दोबारा से टेस्ट होने वाले हैं। वैसे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, पर यार जिन्हें भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो सुकून के साथ चाय पियेंगे।
यस, उसके बाद मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गई थी तैयार होके, एंड कुछ सामान लेके आई हूँ मैं, ये नींबू है, टमाटर है, मैदा है, मुझे पिज्ज़ा बनाना था, स्वीट पोटैटो, क्यूकम्बर, कॉलीफ्लावर एंड धनिया, इनो भी लेके आई हूँ, ज़्यादा खा लेंगे तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हस्बैंड लेके आए अपने लिए पेपर, सॉरी कोकोनट, ड्राई कोकोनट एंड पाइनएप्पल, अच्छा नहीं लगा मुझे, मैंगो बहुत अच्छा था वैसे। सो ये हैलोपिनो है एंड खूब सारी गाजर है, इसका मैं बनाने वाली हूँ गजरेला, गाजर का हलवा एंड ऑल्सो पिकल। काले चने भिगोए थे कल रात को मैंने, और अब हिम्मत के आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं ना काले चने कुक कर लेती हूँ, ताकि उससे जब भी वो घर आए, मुझे मेरा मन कहता है कि वो हॉट मील खाए गर्मा गर्म। सो जल्दी से इसकी प्रेपरेशन शुरू कर लेते हैं एंड ग्रॉसरी को भी अरेंज करते जाएंगे उसके साथ साथ। तो कड़ी को तड़का लगा दिया मैंने एंड मैंने पिकल के लिए भी सब्जियां काट ली हैं एंड इसको ओवरनाइट ड्राई होने देंगे, उसके बाद तड़का लगाएंगे कल। एंड गाजर के हलवे के लिए यू नो सबसे ज़्यादा मुश्किल है गाजर को ग्रेट करना, एंड इस बार मैंने सोचा है फूड प्रोसेसर यूज़ करूँगी मैं, एंड अच्छा अच्छा ग्रेट हो जाएगा तो फिर हम गाजर का हलवा बनाएंगे। बहुत ही आसान किस्म की रेसिपी यूज़ करने वाली हूँ मैं। बड़े से पैन में गाजर को लेके हम कुक कर लेंगे, कुछ भी बिना ऐड किए, जब तक पानी सूख जाएगा एंड गाजर सॉफ्ट हो जाएगी, फिर थोड़ा सा देसी घी एंड दूध ऐड करेंगे, उसमें कुक होता रहेगा, देन शुगर एंड जो भी आप नट्स ऐड करना चाहें, मेरे पास किशमिश नहीं थी पर वो इसमें बहुत अच्छी लगती है, आप खोया भी ऐड कर सकते हैं, पर अगर आपके पास खोया नहीं है, मेरे पास नहीं था, तो आप ड्राई मिल्क ऐड करें, उससे खोए जैसी वाइब आ जाती है, वो भी नहीं था मेरे पास। तो यस, इस तरह गजरेला तैयार हो चुका है, अच्छा बना था, चीनी कम ऐड की है मैंने एंड फिर मैंने मेरे पड़ोसियों को भी दे दिया थोड़ा सा, ताकि वो भी थोड़ा गजरेले का टेस्ट कर ले। हमारा लंच भी रेडी है, काले चने और उसके साथ मैंने राइस बनाए हैं। सो हस्बैंड ने अपने लिए ओट्स पे होया, बट मेरे लिए नहीं, बिकॉज ही सो मीन। ओए आज वैलेंटाइन डे है, तू कुछ बढ़िया खा, ओट्स की करने खा के दस। ये तो मेरे लिए बनाना चाहिए राइस। तू आज पैनकेक खा, आज हां भी खाई है वो कली जिदे ना लव च होंगे बना के दिता वे लोग अपनी वाइफ न बैड से ब्रेकफास्ट दें। सो ये है सच्चाई सड़े हुए वैलेंटाइन डे। ओ प्यारी मैं तेरी स्टोरी भी सुनानी है वैलेंटाइन डे, मैं तो फुल दे के वापस लैन वाली है। हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज हम बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें करने वाले हैं। आज है वैलेंटाइंस डे, हमेशा की तरह मेरा जो वैलेंटाइन डे है सुक्का है, पर हिम्मत ने मुझे कल एक बहुत ही प्यारा सा
काट दिया है जो उसने खुद से बनाया था। अगर चीज़ है कि आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ कि हस्बैंड के साथ जो मेरा पहला वैलेंटाइन डे था उस पर उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। एंड अब तो उम्मीद छोड़ ही दो आप, तब ऐसे किया था। सो समय हुआ है अराउंड 10:30। कल मैंने डिनर नहीं खाया था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। मुझे कुछ वधिया देसी फूड खाने के लिए मन है, लाइक परौंठे या कुछ भी ऐसा, पर पता नहीं क्यों खाऊंगी। सो लेट मी फील बेटर। जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं ना फील करते तो एक बहुत मज़ेदार गाना लगाएं या फिर कोई पंक्ति संगीत लगाएं एंड उसकी तूनों पे डांस करें एंड देन यू विल फील मच बेटर। ओके, इस एरिया को मैं क्लीन करके जाती हूँ सोने से पहले, पर कल मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं किया, थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अदरवाइज मैनू ना कुछ होंदा रहेगा कि ये क्या है। सो मैं मेकअप ब्रशेस को लेके आई हूँ डाउन स्टेयर्स वॉश करने के लिए, तो इसमें वो है फ्रेश टॉवल के साथ। आलू पराठा, आलू पराठा बनाया है मैंने कुछ दिन पहले ना। मैंने एक्चुअली गाजर गोभी एंड मिर्ची का अचार भी डाला था, उसको भी खाएंगे हम। सो मैंने सोचा था क्लीनिंग करे थे, पर हमने क्लीनिंग नहीं की, हम लोग ना कॉस्को चले गए थे। वहाँ से लेके आई हूँ मैं देसी घी के लिए मक्खन। सो देसी घी बना रही हूँ उसके साथ साथ। यार अचार तो बहुत मुक भी गया। अगर इस अचार की रेसिपी आप देखना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने डाली है, आई होप आई एम श्योर। ओके, सो देसी घी बना रही हूँ मैं और ये है मेरा खूबसूरत गाजर गोभी का अचार एंड ये हैलोपिनो है। एक्चुअली मैं हरी मिर्च डालना चाह रही थी पर मुझे मिली नहीं, इसके साथ मैं पराठा खाने वाली हूँ। सो देसी घी बना रही हूँ मैं, पुराना डब्बा हो चुका है ख़त्म, मैंने एक और ये वॉश करके रख लिया, अब इसमें भरेंगे हम इनको ना स्विच करते रहते हैं डब्बों को। सो इसमें 15-20 मिनट लगेंगे, सो इसको ढक के रख देते हैं फिलहाल, आराम से धीरे धीरे होता रहेगा। बैठ के आराम से खाऊंगी और कुछ देख लूंगी मैं। एंड ये अचार बहुत अच्छा बना है बाय द वे, बनाती सब कुछ बहुत अच्छा हूँ मैं। समझ में नहीं आता कि इतनी कलाकारी मुझ में आई कहाँ से। देसी घी बन के रेडी हो चुका है, उससे जार में निकाल देंगे। एंड अब मुझे भूख लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या खाऊं, बहुत कुछ खाने के लिए मन कर रहा है, पर हस्बैंड एंड हिम्मत को एप्पल दूंगी, उसके बाद मैं कुछ खाने वाली हूँ जंक बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग। सो दो डिफरेंट बोल्स में दूंगी क्योंकि अदरवाइज दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। हिम्मत कैन यू टेक एप्पल फॉर यू, बाय। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड मैं मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें, कमेंट ज़रूर से करना, मुझे आपके विचार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है।